Today we have come up with a topic on a tribe called Dard Aryans. इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कल्चर और ट्राइब से रिलेटेड टॉपिक है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल ट्राइबल रिलेटेड टॉपिक पे कुछ न कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं. तो बाय दैट पॉइंट ऑफ व्यू दार्द आर्यंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट देम. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब दार्द आर्यंस हैं कौन और इनके बारे में न्यूज़ क्या बनी थी, मैं वो आपको बताता हूँ. दार्द आर्यंस ऐसा कहा जाता है कि वो प्योर आर्यन रेस के डिसेंडेंट हैं. इसके बारे में कई और भी मानना है. ऐसा भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के आर्मी के कुछ लोग 2000 साल पहले, जब अलेक्जेंडर ने भारत के पश्चिमी हिस्से पे वेस्टर्न पार्ट पे अटैक करा था, तो उस टाइम पे उसके आर्मी के कुछ लोग रह गए थे और उनके ये उनसे जुड़े ये ट्राइब्स हैं, ऐसा भी माना जाता है. बट ओरिजिनली इट इज सेड दैट दे आर प्योर आर्यन रेस पीपल. अब इस और इनके इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, ये 4000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लोग लेह लद्दाख में रहते हैं और एक बहुत ही छोटे से एरिया में ये सीमित हैं. इनके बारे में ये राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ट्राइबल अफेयर्स ने भी एक अपना आंसर दिया था, एक जवाब में रिटर्न में आंसर दिया था, वो मैं आपको पीआईबी पे अभी दिखा दूंगा. दार्द आर्यंस रहते कहाँ हैं अभी? दार्द आर्यंस जो हैं ये धा, हानु, भीमा, डार्चिक और गारकोन, ये पांच गांव हैं जिसमें ये रहते हैं अभी. और ये गांव जो हैं लेह और कारगिल ज़िलों में है. जैसा कि आपको मालूम है लेह बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो लेह जो शहर है, सिटी है, उससे करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे ये डिस्ट्रिक्स हैं और लेह और कारगिल जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्स हैं. सो ये कुछ विलेजेस लेह में हैं और कुछ कारगिल में. और ये जो वहाँ पे कम्युनिटी है दार्द आर्यंस की, ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं अभी करेंटली. और बॉर्डर के उस पार जो पीओके है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है वो, और जस्ट उस पार भी इनकी प्रजाति के कुछ लोग, रेस के कुछ लोग हैं जो कि शिया मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके हैं. तो इस कम्युनिटी के लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी जो कम्युनिटी है, और एक्चुअली ऐसा है भी, वो मॉडर्नाइजेशन, माइग्रेशन एंड रिलीजियस कन्वर्जन के वजह से थ्रेट में है. और उन्होंने इसी के लिए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को उनकी एक डेलीगेशन जो है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को इस कम्युनिटी को सेफगार्ड करने के लिए और इनको कैसे और बेहतर किया जा सके, एक चार्टर भी दिया था. और इसके बारे में रिटेन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने राज्यसभा में भी कहा, इंफॉर्मेशन दी थी. इनके लिए रिसेंटली अक्सर जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का पार्ट है, ये अलग अलग कल्चर से जुड़े लोगों को परफॉर्मेंस करने का और उनसे रिलेटेड वर्कशॉप और अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ताकि ऐसे चीज़ों को हम बचा के रख सकें. और मिनिस्टर ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जा रहे हैं पीआईबी की वेबसाइट पे, और पीआईबी की वेबसाइट पे आप यहाँ दार्द आर्यंस के ऊपर, दार्द आर्यन फेस्टिवल इनकी इनके कम्युनिटी की होती है, और इसी दौरान 16 से 21 जनवरी 2019 में
एक दार दारियंस के ऊपर एक सेमिनार हुई थी दिल्ली के अंदर में, और उस दौरान जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये इश्यूज को भी रखा था। ये आप यहाँ पे पीआईबी की वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। और उन्होंने कुछ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जो है वो इनके असिस्टेंस के लिए कई सारी काम कर रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी दिए गए हैं, और इनको और बढ़ावा दिया जा सके। आर्यन वैली है वहाँ पे लेह लद्दाख में, वहाँ पे टूरिज्म रिलेटेड फैसिलिटीज़ को डेवलप की जा सके, इसके लिए भी उनकी डिमांड थी। सो ये न्यूज़ में है, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिए, इन कुछ पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक हमने अपनी यूट्यूब चैनल में भी जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा था। तो अगर लेट मी जस्ट ओपन दैट, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे दार दारियन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, इस कम्युनिटी से रिलेटेड। सो यहाँ पे एक क्वेश्चंस चल रहे हैं, सॉरी गाइस फॉर लिटिल बिट डिले। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दार दारियंस। सो द स्टेटमेंट आर दे इनहेबिट धा, हनु, भीमा, डार्चिक एंड गारकोन विलेज, 5 गाँवों का नाम लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन गाँवों में वो रहते हैं, और ये लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, दे आर अंडर थ्रेट ड्यू टू रैपिड मॉडर्नाइजेशन, माइग्रेशन एंड रिलीजियस कन्वर्सेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू, वो ऑलरेडी हमने बताया। इसी के लिए उन्होंने एक उनकी डेलीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर से मिलके उनको एक चार्टर सौंपा था। थर्ड है, दे आर बिलीव टू बी ओरिजिनल डिसेंडेंट ऑफ प्योर आर्यन रेस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, फॉर ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हेंस द आंसर इज दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो प्लीज केयरफुली सी दिस टॉपिक एंड दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी अच्छे टॉपिक्स पे कुछ लेके आता हूँ मटेरियल, वो आपको तुरंत अपडेट में पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव अ ग्रेट डे, बाय।